नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज आप इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप डार्क मोड को एनेबल्स कर सकते हो। ऐसा क्रोम पर पिक्चर्स नहीं मिलता है तो आप डार्क एनेबल्स कर सकते हो, बट यहाँ पे टिप्स लाया हूँ, मतलब जो सॉल्यूशन लाया हूँ, इसीलिए यहाँ पे डार्क मोड का एनेबल्स कर सकते हो। पर यहाँ पे आज पीसी का मतलब बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। फटाफट सॉल्यूशन बता देता हूँ, या सॉल्यूशन बताने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे तो यहाँ डार्क मोड नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डार्क में करता हूँ। आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सब अटेंड करो, डाउनलोड करो, नहीं भाई, ये सब नहीं बताने वाला हूँ आपको। ये एप्लीकेशन मतलब अटैचमेंट करना, ये सब क्रोम पे सेटिंग में ही होता है, बस आपको सेटिंग में जाना है, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप इसमें जाइए, उसमें जाइए, ये अटैच करो, वो अटैच करो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीसी की सेटिंग में चले जाइए। पीसी की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सेटिंग पे जाने के बाद ऑप्शन आता है पर्सनलाइज सेटिंग में, तो इसमें चले जाना है। पर्सनलाइज जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ चले जाना हो है कॉलर्स में, बैकग्राउंड के नीचे कॉलर्स, ये सेटिंग है, यह बता रहा हूँ जो दूसरा क्रोम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज और डिफॉल्ट मोड डार्क कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पूरा डेस्कटॉप डार्क मोड में हो जाएगा। अभी हम चले जाते हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में आप देख सकते हो सर्च बार में ही हुआ है, अभी तक डार्क मोड यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और फिर डिफॉल्ट में दिख रहा होगा, डिफॉल्ट में चाहिए और यहाँ पर इनेबल कर दीजिए और यहाँ पर डार्क मोड हो जाएगा और फिर रिलॉन्च कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा रोम पूरा डार्क मोड में आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो यहाँ पर डार्क मोड में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो भी उम्मीदें, जो भी मैंने आपको बताया है, आपको फिर भी आपको वैसे ही चाहिए तो आप इस चीज़ ही कर लीजिए इस वीडियो में देखकर। तो ये सब ये फीचर था, ये सब आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।